हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास किचन। मैं आज आपको बहुत ही सिंपल और हेल्दी रेसिपी बताने जा रही हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन खाने में काफ़ी अच्छी लगती है, और आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं, और बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी बनती है। मैं आपको आज ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी बताने जा रही हूँ, तो चलिए किचन में चलते हैं और ब्रेड ऑमलेट बनाते हैं। देखिए, इंग्रेडिएंट में मैंने दो पीस ब्रेड ली है, वाइट ब्रेड है स्लाइस वाली, आप चाहें तो इसकी जगह ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। दो अंडे हमने लिए हैं, रिफाइंड ऑयल लिए हमने एक कप, नमक स्वाद के अनुसार, आधा टमाटर बीज निकाल कर हमने बारीक चॉप कर लिया है, आधा इंच अदरक का टुकड़े को हमने बारीक चॉप कर लिए, दो हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिए हमने, एक छोटी सी प्याज को हमने बारीक चॉप कर ली, थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स बारीक चॉप करिए। तो चलिए बनाते हैं, पहले ब्रेड को सेक लेते हैं। देखिए, तवा हमने गर्म होने के लिए रख दी है, इस पर थोड़ी सी ऑयल डाल देती हूँ। थोड़ी सी ब्रेड को मैं सेक लूँगी, इस तरह से हल्का सा ही सेकना है इसे। ऑयल दोनों तरफ हमें लगा लेना है, ऑयल हमने ठीक ही डाली है 2 टीस्पून, हल्का इसे सेक लेना है हमें। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यदि मेरी वीडियो को आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, तो मैं जो भी नई नई रेसिपी अपलोड करूँगी उसे आप सबसे पहले देख सकते हैं। देखिए, ये ब्रेड सीख चुकी है, इतना ही हमें सीखना है। तवा हमारी गर्म है, इसमें थोड़ी सी 1.5 टीस्पून ऑयल डाल देते हैं और अंडे को फेंट लेते हैं। देखिए, एक बॉल ले लिया हमने, इसमें अंडे को फोड़ कर डाल देते हैं, इस तरह से। दो अंडे मैं डाल रही हूँ, नमक स्वाद के अनुसार, और ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी इसमें डाल देती हूँ। हरी मिर्च, बारीक चॉप अदरक, प्याज, यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं, हरी धनिया, और ये थोड़ी सी बारीक चॉप, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं जब तक हमारी ऑयल गर्म हो रही है। देखिए, तवा भी हमारा गर्म हो गया है और ऑयल भी गर्म हो गई है, इसे डाल देते हैं जो बैटर हमने तैयार की है ऑमलेट की, और इस तरह से तवे को हल्का सा ऐसे घुमा देती हूँ मैं, और इसे 1 मिनट हम पकने देते हैं। जब ये अच्छी तरह से थोड़ी सी पक जाए उसके बाद ही हम इस पर ब्रेड रखेंगे। अभी गीले में आप ब्रेड रखेंगे तो ये फोल्ड नहीं होगी। मैं नॉन स्टिक तवा यूज़ कर रही हूँ, आप लोहे के तवे पर भी इसे बना सकते हैं, लेकिन तवा यदि बड़ा होगा तो हमें फोल्ड करने में आसानी होती है। आप पैन में भी बना सकते हैं। देखिए, इतना पक चुका है, बस हमें इसमें 2 पीस ब्रेड को हमें रख देना है, और अब हम इसे आहिस्ते से थोड़ा और ये पक जाए तब ये फोल्ड होगी। देखिए, इतना पक चुका है, इतने में ही हमें फोल्ड करना है, ज़्यादा ये ओवर कुक हो जाएगी तो ये फोल्ड नहीं होगी। इस तरह से एक स्पून की सहायता से इसे उठाकर पलट लेना है, फ्लेम को थोड़ा लो कर देना है हमें, इस दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करते जाइए एक स्पून की सहायता से, बहुत ही केयरफुली इसे फोल्ड करना है, इस तरह से उठाकर इस तरह से प्रेस कर देना है इसे, और अब बहुत अच्छी से इस तरह से इसे देखिए, ये सीख चुकी है अच्छी तरह से, एक
अब दूसरी तरफ से भी हमें इस तरह से प्रेस करते हुए इसे शेक लेना है। ये हमारा ब्रेड ऑमलेट बनकर रेडी हो चुका है। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी फास्ट बन जाती है और नाश्ते के लिए काफ़ी अच्छी रेसिपी है। देखिए ये हमारी हो चुकी है, गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे प्लेटिंग करते हैं। देखिए ये कितनी फास्ट बनकर हमारी ब्रेड ऑमलेट रेडी हो गई है। आप भी बनाइए। इस तरह से मैंने प्लेटिंग की है, थोड़ी सी सॉस रखी है। आप किसी भी चीज़ के साथ इसे खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं। आप भी फटाफट बनाइए और इसे ट्राई ज़रूर कीजिए फ्रेंड। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए काफ़ी अच्छी रेसिपी है और सुबह के नाश्ते के लिए भी काफ़ी बढ़िया रेसिपी है। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।